एक दो दिन बाद से PUBG मोबाइल के अंदर में 2.2 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अपडेट BGMI के अंदर में आएगा नहीं आएगा आप लोगों को प्रूफ के साथ में बताने वाला हूं। और अगर अपडेट नहीं आएगा BGMI के अंदर में तो फिर सीजन का क्या होगा, अगला सीजन हमें देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, रॉयल पास का क्या होगा, इवेंट कैसे आएंगे, इन सभी को छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी चीजें बताऊंगा सारी की सारी ऑफिशियल रहने वाली है, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो गेम की तरफ से वही सारी चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहली और सबसे मेन चीज, अभी तक आप लोगों को पता है कि भाई BGMI की तरफ से ऑफिशियल कहीं पर भी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन एक छोटा सा चेंज इन्होंने गेम के अंदर किया है। गेम के अंदर क्या चेंज किया आपको पता भी होगा, नहीं पता नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग BGMI खेल रहे हो तो आप लोग साइकिल रिवॉर्ड्स के अंदर जाना, यहां पर आपको पता साइकिल रिवॉर्ड कैसे आप लोगों को मिलते हैं, तीन सीजन को इकट्ठा जोड़ के अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर रैंक पर आते हो या फिर एक आप लोग टीयर पर आते हो तो ऐसे में आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि तीन बार डायमंड आने पर, फिर उसके बाद एस आने पर, फिर कॉन्करर आने पर, इस तरह से आप लोगों को कुछ मेडल दिए जाते हैं। तो यहां पर तीन अलग अलग बैच होते हैं, जिसमें पहला होता है C3S7, फिर होता है C3S8 और फिर C3S9। लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे कि दो बार C3S7 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसी से ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई BGMI के अंदर में नेक्स्ट वाले मंथ के अंदर सेम सीजन कंटिन्यू होने वाला है। अभी मैं बताऊंगा सीजन रीसेट होगा नहीं होगा, उसका क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों को PUBG मोबाइल के अंदर एक बार दिखा देता हूं। यहां आप लोग देख सकते हो पूरी चीजें क्लियर बढ़िया से चल रही है, क्योंकि PUBG मोबाइल में 2.2 का अपडेट जैसे आएगा C3S8 जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग इधर अच्छे से देख सकते हो, पहले C3S7 है, फिर उसके बाद C3S8 है, फिर C3S9 है, जबकि BGMI के अंदर आप लोगों को C3S7 दो बार देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को C3S7 ही देखने को मिलेगा। अब यहां पर दो तीन चीजें क्लियर होती है, सबसे पहली कि भाई आप लोगों को अपडेट नहीं मिलेगा, जिस वजह से इसी सीजन को कंटिन्यू किया जा रहा है। दूसरी चीज कि आप लोगों को दोबारा से जो आप लोगों का टीयर है वो रीसेट होगा, वो रीसेट इसलिए होगा क्योंकि नेक्स्ट सीजन दोबारा से आप लोगों को उस मेडल के लिए रैंक पुश करनी पड़ेगी और दोबारा से आप लोगों को उस मेडल के लिए एक आप लोगों के टीयर पर जाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो। इसके अलावा एक चीज और क्लियर होती है कि या फिर जो अपडेट है या फिर किसी भी तरह की बैन की कंफर्म रिपोर्ट है वो चीज आप लोग कब देखने को मिलेगी। देखो यहां पर इन्होंने इसको तो स्किप कर दिया, यानी कि ये वाले दो महीने तो हमारे निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब C3S9 आएगा या तो उस टाइम तक क्राफ्टन कुछ ना कुछ कर चुका होगा गेम को बचाने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसी अपडेट होगी, या तो गेम बैन होगा या फिर अनबैन होगा, वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। और C3S9 आते आते हमारा दिसंबर का मंथ आ जाएगा और तभी तक आप लोग मान के चलो तभी कोई अपडेट आप लोगों को मिलेगा। बाकी गाइस मैंने आप लोगों को सीजन का बताई दिया, सीजन आप लोगों का सेम टू सेम, जैसे ये सीजन खत्म होगा नेक्स्ट जो सीजन होगा उसमें आप लोगों का सेम अभी वाला यानी कि C3S7 ही दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगर हम लोग रॉयल पास के बारे में, तो रॉयल पास की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया। रॉयल पास में क्या हो सकता है, देखो कोई भी अपडेट आ रहा है उसके अंदर दो रॉयल पास होते हैं, तो रॉयल पास को रिपीट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि रिपीट करेंगे सभी लोगों के पास में ऑलरेडी सारे रिवॉर्ड है, तो भाई वो दोबारा से उन रिवॉर्ड का क्या करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो हमारा रॉयल पास है या तो वो लॉक हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस वाले मंथ के अंदर हमारे कोई भी प्रीवियस रॉयल पास को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जब कभी भी कोई भी अपडेट आता है तो दो रॉयल पास को एक साथ ऐड किया जाता है और पुराने वाले रॉयल पास को डिलीट कर दिया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि रॉयल पास के ऊपर में ताला लग जाएगा, आप लोगों को रॉयल पास देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि रॉयल पास अगर आएगा तो भाई उसके लिए अपडेट आना जरूरी है, लेकिन अपडेट नहीं आएगा तो रॉयल पास भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और रॉयल पास को रिपीट करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। लास्ट जो हमारे पास में चीज रह जाती है वो रह जाते हैं गाइस इवेंट्स, क्या हम लोग को इवेंट देखने को मिलेंगे। तो देखो इवेंट के बारे में सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा, कुछ भी आप लोग एक्स्ट्रा इवेंट के बारे में मत सोचो कि कुछ बहुत बढ़िया इवेंट मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को कूपन से रिलेटेड इवेंट देखने को मिल सकता है, जहां पर आप लोग क्लासिक क्रेट, प्रीमियम क्रेट, इन सब के कूपन देखने को मिल जाए, क्योंकि सबसे पहले तो गेम के अंदर प्रीमियम क्रेट को ही एक्सटेंड किया गया था, प्रीमियम क्लासिक और सप्लाई क्रेट इन तीनों को एक्सटेंड किया गया था, तो इनसे रिलेटेड आप लोगों को कूपन वगैरह के इवेंट तो देखने को मिलेंगे, बट कुछ ऐसे इवेंट एक्सपेक्ट मत करना अपने दिमाग में जो कि बहुत अच्छे इवेंट होते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी आप लोग अगर गेम का वेट कर रहे हो कब अनबैन होगा, तो भाई दो महीने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, या तो आप लोग PUBG मोबाइल का ग्लोबल वर्जन खेलना स्टार्ट कर दो या फिर आप लोग PUBG मोबाइल का कोरियन वर्जन खेलना स्टार्ट कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा, आप लोग टेंशन फ्री होकर आराम से खेल पाओ, क्योंकि पता नहीं है भाई दो महीने बाद भी गेम अनबैन होगा नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग सच में अभी भी खेलना चाहते हो तो आप लोग आराम से अपने कोई भी वर्जन को डाउनलोड करके खेल सकते हो। भाई बैन अनबैन वाली वीडियोस बना रहे हैं, अब मैंने आप लोगों को सारी चीजें प्रूफ के साथ में दिखा दिया, जब गेम के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस हो चुके हैं तो भाई डेली सुबह शाम गेम आना जाना मतलब ये चीजें तो बेकार ही हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आपको क्या देखना क्या नहीं देखना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में ये वाली वीडियो को शेयर भी कर देना। बाय बाय।